मित्रों नमस्कार। माँ एकेडमी पुरनिया में मैं डॉक्टर प्रेमचंद नेट पीएचडी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों आपको मेरे इस संस्थान में टीजीटी पीजीटी की कोचिंग के लिए सुविधा उपलब्ध है। जो भी छात्र टीजीटी पीजीटी की कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं वे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे आज यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के संबंध में कुछ चर्चा करूँगा कि टीजीटी और पीजीटी ये दो जो परीक्षाएं हैं इनकी क्या अपनी विशेषता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं टीजीटी, तो टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक। और ये जो पीजीटी है इसका अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो परास्नातक अध्यापक, तो जो ये हमारा टीजीटी का अध्यापक होता है ये 9th और 10th की कक्षाएं पढ़ाते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट का टीचर होता है यह पीजीटी यानी इंटर 11th और इंटर की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। तो मित्रों अब बात आती है कि टीजीटी और पीजीटी में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं टीजीटी की योग्यता बीए और इंटरमीडिएट संस्कृत के साथ होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, और आयु 21 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं और 60 वर्ष से अधिक नहीं। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है मित्रों टीजीटी में, तो ये बहुविकल्पी प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल 125 प्रश्न होंगे, और प्रति प्रश्न अंक जो है 4 अंक का है। इस तरह से 125 गुणे 4 इक्वल टू 500 यानी 500 अंक का कुल प्रश्न होगा। इस तरह से और एक मुख्य बात क्या है कि टीजीटी में आपके साक्षात्कार की सुविधा नहीं है, साक्षात्कार नहीं रखा है। इस तरह से आप टीजीटी में सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के दम पर, अपने स्कोर के दम पर परीक्षा को पास आउट कर सकते हैं और नौकरी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों टीजीटी में बैठने वाले वे सभी विद्यार्थी अभ्यर्थी शीघ्र अतिशीघ्र अपने अध्ययन में लग जाएं, और कोचिंग की सुविधा यदि उन्हें महसूस होती है तो उसके लिए आप माय एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हम आते हैं पीजीटी की योग्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मित्रों पीजीटी की योग्यता हिंदी विषय के लिए एमए होनी चाहिए और उसके साथ में बीए में संस्कृत होना चाहिए, और इसकी आयु 21 से 60 वर्ष होनी चाहिए। इसमें साक्षात्कार है, साक्षात्कार पहले हम परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा पास करेंगे, फिर उसके बाद साक्षात्कार में शामिल होंगे, उसके बाद कंप्लीट मेरिट बनती है, तब हम उस परीक्षा में अपनी मेरिट के आधार पर अपना चयन
प्राप्त करते हैं। प्रश्न पत्र का स्वरूप जैसा कि टीजीटी में बताया था बहुविकल्पी, तो यहाँ भी बहुविकल्पी ही है और कुल अंक 425 का लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार 75 अंक का होगा, जिसमें से 50 अंक का मुख्य साक्षात्कार होगा और जो 25 अंक शेष है यह पीएचडी बीएड प्लस अन्य एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट यदि आपके पास हैं तो उसके अंक इसके साथ जोड़े जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा टीजीटी और पीजीटी के संबंध में, शैक्षिक योग्यता के संबंध में। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम, यहाँ हम टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में कुछ खास अंतर नहीं है, बस प्रश्न के स्वरूप में थोड़ा अंतर होता है। टीजीटी का जो प्रश्न पत्र होता है, प्रश्न होते हैं वो टू द पॉइंट यानी तथ्यपरक होते हैं, सीधे सीधे हम किसी चीज़ को रट लें, जान लें और उसका उत्तर दे दें। पीजीटी में थोड़ा नेट और जेआरएफ के पैटर्न पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पीजीटी की पढ़ाई में हमें थोड़ा और गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो मित्रों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा पहला टॉपिक होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए। जैसा कि हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय अभी तक जानते हैं कि पहला जो काल है वह हमारा आदिकाल है, आदिकाल से ही हिंदी का प्रारंभ माना जाता है, खासकर 10वीं शताब्दी के समय से, और वहाँ से हिंदी साहित्य प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर अपने विकास को प्राप्त होती हुई नई कविता तक आती है। उसके बाद भी षठोत्तरी कविता है या कविता कविता आदि हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आदिकाल के बाद का जो युग है भक्तिकाल है, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। फिर आदिकाल के बाद आने वाला काल है रीतिकाल, इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है, और रीतिकाल के बाद का जो काल है वह आधुनिक काल है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे चार कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसको पढ़ना है। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, उसके बाद आने वाला युग द्विवेदी युग, फिर उसके बाद आने वाला युग छायावाद युग, उसके बाद आने वाला युग प्रगतिवाद युग है, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं कि आधुनिक काल के अंदर ही या आधुनिक काल के समय में ही हिंदी गद्य साहित्य का विकास देखने को मिलता है, खासकर भारतेंदु युग से जितनी भी विधाएं गद्य की आगे विकसित हुई वे सभी विधाएं भारतेंदु युग से ही आगे विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा अन्य लघु विधाएं जैसे जीवनी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है आदि, डायरी है आदि के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विकास के बारे में पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्धारित है टीजीटी और पीजीटी के लिए, उसमें हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं। मित्रों यहाँ पर हिंदी के रचनाकार हमारा गद्य का ही
भाग होगा, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको काव्य शास्त्र में ना रख करके हम हिंदी गद्य की विधाओं और जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी का आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के जो हमारे रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं, उसके अंतर्गत ये भाग आएगा। हम यहाँ से देखेंगे, एक सेकेंड, काव्य शास्त्र हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस के अवयव, भेद, रस के अवयव, भेद, छंद, अलंकार, काव्य के गुण और काव्य दोष, इतने जो है बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो ये काव्य शास्त्र में रस एक महत्वपूर्ण जो है विषय है, उसके कितने भेद हैं, और छंद, छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद हैं, मात्रिक, वर्णिक आदि, अलंकार, शब्दा, अर्था और उभया, फिर उसके अपने जो भी यमक, श्लेष और अनुप्रास आदि, शब्दा के, अर्था के आदि की चर्चा करेंगे। फिर काव्य के गुण, विद्वानों ने, काव्यशास्त्र के विद्वानों ने, आचार्यों ने काव्य के गुण और काव्य के दोष के संबंध में जो बातें बताई हैं कि काव्य के कितने गुण हैं, काव्य के दोष कितने हैं आदि आदि का हम विस्तार में अध्ययन करेंगे। फिर इसके साथ ही मित्रों, भाषा खंड से जो हमारे इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें हिंदी की बोलियां तथा विभाषाएं, हिंदी की बोलियां और विभाषाएं, या इसको कह लें हिंदी की उपबोलियां तथा विभाषाएं कर लें तो ज्यादा सही होगा। हिंदी की उपबोलियां तथा विभाषाएं, एक मिनट, सॉरी, तो हिंदी आपने पढ़ा है, हिंदी एक भाषा है और उसके बारे में हम जानते हैं कि जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास आगे बढ़ता है तो उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से जब आगे हिंदी बढ़ती है तो हिंदी की उन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी की विभिन्न उपभाषाओं का विकास होता है। जैसे पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है, हिंदी की उपभाषा है, और राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो हम जानते हैं कि इन उपभाषाओं का जो विकास हुआ वह अपभ्रंश के ही माध्यम से हुआ। जैसे पश्चिमी हिंदी का सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, अभी हम इस टॉपिक पर विस्तार में चर्चा करते हैं, पहले हम इस पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, फिर आज हम हिंदी की विकास परंपरा और हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों पर ही चर्चा करेंगे। तो मित्रों आइए देखते हैं कि आगे हिंदी की शब्द संपदा के बारे में हम पढ़ेंगे इस भाषा खंड के अंतर्गत, और हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की कौन कौन सी ध्वनियां हैं, हिंदी की देवनागरी लिपि, उसका नामकरण कैसे हुआ, और उसका विकास, उसका विकास, एक सेकेंड, उसका विकास, फिर देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, देवनागरी लिपि की त्रुटियां या दोष क्या हैं, और उसके सुधार के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए आदि पर चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम हुआ। अगला हमारा
संस्कृत का पाठ्यक्रम जो, अच्छा इसके साथ व्याकरण भी जुड़ा हुआ है तो व्याकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। हिंदी का जो व्याकरण है जो हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है उसमें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, शब्द रूप, शब्द रूप के अंतर्गत पर्यायवाची है, विलोमार्थक शब्द या विलोम है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है, मुहावरा, लोकोक्ति आदि की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद संस्कृत साहित्य से भी कुछ सामान्य प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी TGT की परीक्षा हो या फिर PGT की परीक्षा हो। दोनों में संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं पर प्रश्न बनता है, जैसे कालिदास हैं, कालिदास के बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, आदि रचनाएं कालिदास की हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसी तरह से भवभूति हैं, भवभूति का उत्तर रामचरितम तो बहुत प्रसिद्ध है, करुणा का जो एक प्रधान ग्रंथ है, और भारवी, इसी तरह माघ, दंडी किरातनुजनीयम भारवी की है, माघ और दंडी हैं, श्रीहर्ष हैं, तो शिशुपाल वधम माघ की है, दंडी का 10 कुमार चरित है, श्रीहर्ष का वासव दत्ता है, आदि आदि। तो इस तरह से हम संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण से भी कुछ बिंदु, कुछ विषय रखे गए हैं, जिसमें संस्कृत में संधि पढ़ना है। संधि व्याकरण का अवयव है, तो संधि हमारी जो हिंदी की संधि है और संस्कृत की संधि है उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों समान हैं, बस विषय का भाषा की भिन्नता के कारण से थोड़ी हमें कठिनता भले ही महसूस होती हो, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो वह हमारे लिए सहज हो जाएगी। इसके साथ ही समास, समास में भी कुछ खास अंतर नहीं है। और अगला है शब्द रूप, जैसा कि हम अपने निचली कक्षाओं से ही शब्द, संस्कृत के शब्द रूप को याद करना, धातु रूप को याद करना शुरू कर देते हैं, तो शब्द रूप और धातु रूप पर भी प्रश्न कुछ बनेंगे। शब्द रूप में जैसे बालक का शब्द रूप है बालकः बालकौ बालकाः बालकम् बालकौ बालकान्, तो बाल, तो इस तरह से जो है हम शब्द रूप को याद करेंगे और उसकी विभक्तियाँ, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस तरह से जो भी है उसके अनुसार हम उसके वचन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों या जो भी शब्द रूप दिए जाएंगे उनके विभक्ति और उनके वचन को पहचानने का प्रयास करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला है कि जो है ये इसको हटा देते हैं, अनुवाद। अनुवाद में हमें संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद की जानकारी प्राप्त करनी है, तो इस तरह से हमारा जो पाठ्यक्रम है यहीं पर समाप्त होता है। मित्रों, TGT और PGT दोनों का जो पाठ्यक्रम है दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस भाषा के खंड में मैंने बताया था कि आपको केवल शब्द शक्तियाँ PGT में एक नया विषय जुड़ जाता है, जो कि आप जानते हैं शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, उनके विषय में हम विस्तार से पढ़ लेंगे। और संस्कृत में जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि PGT की पाठ्यक्रम में जुड़ गया है, विसर्ग संधि, तो इसके बारे में हम अलग से पढ़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पाठ्यक्रम का परिचय हुआ।
और अब आते हैं हम सब अपने भाषा के अंतर्गत हिंदी और हिंदी की उपभाषाएं और उनकी बोलियां बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमारा जो आज का विषय है ये बताना है ना। नमस्कार। तो सर ने लेक्चर हिंदी का दे दिया होगा, देखा होगा आपने, सर डॉक्टर प्रेमचंद वर्मा जी ने बताया होगा हिंदी के बारे में। तो हमारे यहाँ कक्षाएँ जो ऑफलाइन स्टार्ट हो रही हैं, जैसा कि तो कक्षाएँ स्टार्ट हो रही 20 तारीख से शाम को 6 बजे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही, आप लोग आइए। और शाम को 6 से 8 का बैच स्टार्ट हो रहा है हिंदी का, और सर बहुत ही जानकार हैं, जैसा कि पिछला TGT PGT सर ने करवाया, सर का खुद का एक्सपीरियंस रहा और पहले इसके पहले डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं सर। तो आप आइए और 20 तारीख ध्यान रखिएगा, 20 तारीख शाम को 6 बजे आइए, 2-4-6 डेमो करिए, डेमो करके कैसा लगता है उसका एक्सपीरियंस आप फॉलो देखिए। उसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास सर की हिंदी के बारे में बताएंगे अगला लेक्चर। तो इसके लिए धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।